अयोध्या में 22 जनवरी यानी कि आज रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या के साथ पूरे देश भर में काफी उत्साह देखा जा रहा है। चारों तरफ राम नाम की धूम है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अपने घर पधार रहे हैं। हर कोई खुशी में डूबा हुआ है। ऐसा ही एक नजारा हल्द्वानी में भी देखने को मिला। यहाँ किन्नर समाज के लोग राम भजनों पर झूमते हुए नजर आए हैं। किन्नर समाज राम भजन गाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। हल्द्वानी स्थित किन्नर समाज की गुरु कशिश मौसी के आवास पर किन्नरों ने राम भजन गाए। किन्नर समाज ने कहा कि सभी को बेसब्री से इस पल का इंतजार था। हम राम भक्ति में मगन हैं। किन्नर समाज के लोगों ने कहा कि रामलला से उनका पुराना रिश्ता है। उन्होंने कहा कि जब अयोध्या में रामलला का जन्म हुआ था तब हमारे समाज के लोगों ने अयोध्या में बधाई गाई थी। तब राजा दशरथ को रामलला के जन्म की बधाई दी थी। ऐसा ही मौका फिर आ रहा है जिसमें शामिल होने के लिए वे आतुर हैं। उन्होंने कहा कि जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे तब पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कशिश किन्नर के यहाँ आई हूँ और इन्होंने ना 22 तारीख का भंडारा रखा है। और जैसे राम जी आ रहे हैं तो इसलिए उनकी खुशी में भंडारा है। कपड़े बांटेंगी और मुझे भी यूपी से आगरा से बुला रखा है इन्होंने। बहुत खुशी हो रही है राम मंदिर के चक्कर में। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे दिवाली जो दिवाली बनती थी वो बनती थी, मगर जो दिवाली अब बनेगी वो कभी नहीं बनी। जय श्री राम। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे राम जी आ रहे हैं तो राम जी की खुशी में हम लोगों ने गरीब लोगों के लिए साड़ी औरतों के लिए करी है, जेंट्स लोगों ने कंबल करे हैं और खीर बांटेंगे, सजावट कराएंगे, खूब खुशियाँ मनाएंगे। मेरी गुरु जी हैं कशिश किन्नर। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, उसकी खुशी में हम जागरण कराएंगे, गरीब लोगों को जो कपड़े लत्ते बांटेंगे और खूब खुशियाँ मनाएंगे।